नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। यहां सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहां पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे M6 कॉटन से। रूपा जी देख रहे हैं M6 कॉटन एक के बाद एक लगातार तेजी की ओर ही जाती चली जा रही है। 43,000 से देख रहे थे कि करेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन वहां से करेक्शन नहीं बनी। फिर 46,000, अब देख रहे हैं 47,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कॉटन लगातार तेजी की ही ओर है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ऊपरी स्तर पर कॉटन की खरीद फरोख्त थोड़ी कम हो जाए और कीमतों में फिर नरमी आए? देखिए, अभी तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार बाजार जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तेजी जो है वो, अब जो ये तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है मार्केट में ये लेवल जो 47,000 के आसपास हम देख रहे हैं, ये 50,000 के भी सर छूता हुआ दिखाई दे, कोई बड़ी बात नहीं। वायदा में ये तेजी देखने को मिले, क्योंकि अभी इन लेवल्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स है वो यहाँ बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सचेंज के ऊपर भी हमें लगातार प्राइजेस जो है ऊपरी लेवल के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मार्केट जो है वो तेजी की तरफ बना हुआ है, लेकिन कितना सस्टेन करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी एक अच्छी रैली और इस अच्छी रैली के अंदर एक अच्छे प्राइजेस जो है वो फार्मर्स को इस बार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। छुटमुट तेजी अभी और आती हुई दिखाई दे सकती है जी। जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो क्या कॉटन में आई इस तेजी का असर बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ेगा, या बिनौला खल इस कमी, इस तेजी को नहीं देख पाएगा? क्योंकि देख रहे हैं कि आज 2900 का लेवल तो लगा है बिनौला खल में, तो क्या अब कॉटन का असर बिनौला खल पर दिखेगा या नहीं दिखेगा अभी भी? देखिए, थोड़ा बहुत असर जो है आता हुआ जरूर दिखाई दिया है और लगातार जो बिनौला खल हम प्राइस के ऊपर दबाव देख रहे थे वो निचले स्तरों पर वापिस रिकवर हुए हैं और एक बार फिर से हम इसको 2900 के पार जाते हुए देखा है। तो अब यहाँ पर आप मान के चलिए कि एक बार 3,000 का स्तर हो सकता है कि छूटा हुआ दिखाई दे, क्योंकि 2800 नीचे सपोर्ट बन चुका है। अब 2800 के बाद ऊपर ऊपरी स्तरों पर 3,000 तक के लेवल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि इसमें देखने को मिल सकते हैं जी। ये सर जी देख रहे हैं कि मसालों का बाजार भी हल्का सा टूटा है। धनिया देख रहे हैं कि 11,400 पर आ गया, अब जो 12,000 के ऊपर कारोबार कर रहा था। जीरा 21,055 पर है, 21,000 के बिल्कुल लेवल पर है और 20,985 का भी लो लगा चुका है। वहीं हल्दी देख रहे हैं 8,122 का लो लगा चुकी है। रूपा जी देख रहे हैं कि मसालों में भी यहां से अभी करेक्शन का दौर देखने को मिला है, जबकि फंडामेंटल्स मजबूत हैं। आपको क्या लगता है, इन स्तरों पर क्या खरीदारी में रह जा सकता है? देखिए, फंडामेंटल नो डाउट अभी सभी मसालों के पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो बाजारों में एक बार फिर से खरीदारी लौट सकती है और बाजार तेज हो सकते हैं। और अभी के लिए जो करेक्शन है, इस करेक्शन में बिल्कुल बाइंग की जा सकती है मसालों के अंदर। और स्पेशली मुझे लगता है कि अगर धनिया और जीरा दोनों ही स्लिप मारते हैं यहाँ से, अगर जीरा 20,800-20,600 की रेंज में जाता है तो वहां पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि ऊपर में फिर वापस से 21,500-22,000 तक जा सकता है। वहीं धनिया की बात करें तो 10,800 के आसपास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ऊपर में 12,000-12,500 का स्तर धनिया में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी थोड़ी सी दबाव में है, 7,800 तक नीचे अगर लुढ़क आती है तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए, तो वहां पर भी बाइंग किया जा सकता है। फिलहाल के लिए एक करेक्शन है, इस करेक्शन के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है जी। ये सिर्फ जी देख रहे हैं कि मसाल के साथ साथ ग्वार में भी हमने यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखी है। ग्वार में देख रहे थे कि फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं, कच्चे तेल की भी प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अमेरिका भी अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है, तो ऐसे में अभी जो ग्वार में करेक्शन बनी है, क्या इसको खरीदारी का मौका समझना चाहिए या फिर यहाँ से जो करेक्शन है वो और ज्यादा गहराएगी? अभी देखिए, करेक्शन बहुत ज्यादा अभी यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है, मुझे लगता है कि ग्वार यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। और अभी टेक्निकली भी देखें तो प्राइजेस जो है ग्वार सीड की बात करें तो 6,000 का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और गम भी अभी 10,000 के लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा करेक्शन वाली बात यहाँ दिखाई नहीं देती, वापिस से गम उठता हुआ नजर आ सकता है इन लेवल्स के ऊपर और खरीदारी बढ़ सकती है और ऊपर में 13,000 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि सीड जो है वो 6,300 तक ऊपर जा सकती है जी। ये सिर्फ जी बात करें अगर तेल तिलनों की, तो हमने देखा है कि बीते कारोबारी सप्ताह बाजार बंद होते होते तेल तिलहनों की कीमतों में हल्की सी नरमी आई थी, चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो या बिनौला तेल हो, CPO हो, सभी खाद्य तेलों में हमने यहाँ पर हल्की सी नरमी आते हुए देखी थी।
मंडियों में कारण बताया जा रहा है कि जो विदेशों में तेल तिलों के भाव बढ़े हैं और उसका असर जो घरेलू बाजार पर पड़ा है तेजी वाला, तो ऊपरी स्तर पर थोड़ा लिवाल कम हुआ है जिसकी वजह से तेल तिलों की कीमतों में यहाँ पर हल्की सी गिरावट आई है। इसी बीच आपको क्या लगता है कि अगर तेल तिलों की कीमतें आगे ऐसी ही बढ़ती रहती हैं तो क्या जो कंजप्शन है खाद्य तेलों की वो कम हो जाएगी? देखिए, अभी कीमतों को सपोर्ट है और लगातार प्राइजेस जो है वो बूस्टअप करते दिखाई दे रहे हैं। एक हल्की करेक्शन जरूर हमने थोड़ी सी आती हुई देखी है, लेकिन ये बहुत कोई गिरावट वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है उससे खाद्य तेल और ज्यादा महंगा होने की एक उम्मीद है। और अभी भी आप देखिए जो प्राइजेस जो है वो गिरे नहीं है, वहीं पर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे भी देखा जाए तो एक्सपेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि महंगा हो सकते हैं खाद्य तेल, क्योंकि आगे चलकर सरसों के दाम में भी उछाल देखने को मिल सकता है और सोयाबीन के भी कीमतों में तेजी बन सकती है। लेकिन अभी देखना होगा कि हमारे यहाँ पर कितना डिमांड पिकअप होता है इन लेवल्स के ऊपर, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल सप्लाई टाइट बनी हुई है जिसकी वजह से मांग और सप्लाई में भारी अंतर देखने को मिल रहा है, और ऐसी दिशा में लगता है कि इसके चलते अभी कीमतें जो है वो सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती हैं। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके और जो है अपने यहाँ पर भी एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के चलते तेजी बनी हुई है, और जब अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो फिर वापिस से कीमतें जो है वो नरमी में आती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, कृषि फसलों में आप टॉपिक्स किन्हें देना चाहेंगी? देखिए, कृषि फसलों की बात करते मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है, ग्वार आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कम्युनिटीज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।